गाइस फाइनली हम पहुंच गए अलीबाग बीच। ये देखिए टैंक खड़ा हुआ है यहाँ बीच पे। गाइस कैसे चिड़िया बैठी है, सच में बैठी हुई है ना, दूर से देखने में लग रही है। तो गाइस यहाँ सिर्फ हम ही हैं और कोई भी नहीं है, डेंजरस ही बीच लग रही है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप लोग, करते बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे। आज देखो नए दिन की शुरुआत हो गई है। अगर आपने लास्ट ब्लॉग मिस कर दिया तो लोनावला का टूर दिया था, अभी लोनावला से ही स्टार्ट हो रहा है और बस हम यहाँ से अलीबाग के लिए निकल रहे हैं। अलीबाग यहाँ से करीब 3 घंटे का रास्ता है, तो अलीबाग हमने डिसाइड किया है। पहले हमारा डिसाइड था कि लोनावला रुकेंगे, यहाँ कुछ इतना है नहीं, आपने लास्ट ब्लॉग जाके देख लेना कि क्या क्या था, वो हमने आप दिखा दिया था। इसलिए अब हम अलीबाग की तरफ चल रहे हैं। अलीबाग में आपको दिखाते हैं समुंदर, महाराष्ट्र का समुद्र दिखाते हैं इस बार। पहली बार महाराष्ट्र का समुद्र देखेंगे हम, एक बार मुंबई का देखा है हमने, नहीं तो उसके बाद हम महाराष्ट्र में कभी गए नहीं, तो इस बार दिखाएंगे आपको महाराष्ट्र का समुद्र। तो गाइस अभी रुके हम लंच ब्रेक के लिए, चाइनीज़ खाने की इच्छा थी तो चाइनीज़ कॉर्नर है यहाँ पे, चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, नूडल्स वगैरह। हमारी नूडल्स आ गई हैं, चिकन नूडल्स, तो दो फुल ली थी, चार जगह उन्होंने पहले से कर दी है। गाइस देखे साथ में लाल चटनी भी दे रखी है और काफ़ी टेम्पटिंग सी लग रही है। यहाँ लाल चटनी खाते खाते मतलब स्पाइसी तो खाते खाते हैं, जैसे खा के देखते कैसी लग रही है। ये लिया चाउमीन, ये लिया चिकन, काफ़ी अच्छी लग रही है। हमारा फाइनल लॉलीपॉप भी आ चुका है, तो ये भी उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े पीस दे रखे, देखो कितने बड़े बड़े पीस है, खतरनाक ही हो रहा है। लाल मिर्च चटनी दे रखी है और पत्ता गोभी वगैरह का गार्निशिंग करके दे रखी है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अलीबाग और हमने रूम ले लिया है। रूम ऐसा मिला है हमें डिसेंट सा छोटा सा रूम, और ये काफ़ी महंगा पड़ा हमें, 1500 रुपये एक रात का पड़ा है। यहाँ काफ़ी कॉस्टली रूम्स मिल रहे हैं, 2000 से नीचे रूम ही नहीं है। बड़ी मुश्किल से ढूंढने के बाद, एक घंटा पूरा ढूंढने के बाद तब मिला हमें जाके 1500 का रूम, वो भी इसमें भी बार्गेनिंग करी काफ़ी हमने, ये भी हमें 2000 ही बोल रहे थे। पर ऐसे छोटा सा रूम है, पर यह कि एसी रूम है, बाकी मच्छर वगैरह काफ़ी, हमें रात को लाना पड़ेगा मॉर्टिन वगैरह। पास में अलीबाग बीच है, मोस्टली हार्डली 5 मिनट का रास्ता भी नहीं है, तो वहाँ चलते हैं और आराम से मज़े करते हैं बीच पे। वो बीच दिखाते हैं अलीबाग बीच कौन सी है, फिर एक वर्सोवा बीच भी है, टाइम लगा तो वहाँ भी चलने को पास है, तो फिर कल हमारे पे पूरा दिन है ही है। गाइस फाइनली हम पहुँच गए अलीबाग बीच। ये देखिए टैंक खड़ा हुआ है यहाँ बीच पे, कितनी चहल पहल है इस बीच पे, काफ़ी टूरिस्ट लग रहा है मुझे तो, यहाँ काफ़ी चहल पहल है। तो सामने बीच है, चलते हैं, वहाँ लिखा भी है आई लव अलीबाग के एंट्रेंस। यहाँ से देखिए वैसे तो भीड़ काफ़ी है यहाँ पे, है ना गाइस, देख रहे हो कितनी खतरनाक भीड़ है, काफ़ी चहल पहल वाली जगह लग रही है मुझे तो ये। और ये टैंक देखो रात में कितना अच्छा लग रहा है, लाइटिंग करी हुई इस पर, काफ़ी चहल पहल है गाइस, काफ़ी क्राउड है यहाँ तो, काफ़ी क्राउड है ना यहाँ पे, काफ़ी चहल पहल वाली बीच है। वैसे मैंने पूछा था भैया से, वो कह रहे थे 12 बजे तक एक्टिव रहती है, 12 बजे तक खुली रहती है बीच, ये मतलब चहल पहल रहता है इस पर। यहाँ तो बहुत कुछ है, देखो सवारी करनी हो सवारी कर सकते हो, घोड़े की, टांगे की, बाइक राइड वगैरह भी है यहाँ पे। पानी बहुत पीछे चला गया, गाइस जिनको शौक चढ़ा है बाइक करने का, तो उसको 100 रुपीज़ पर पर्सन का है इनका रेट, तो करा रहे हैं राइड, इन्हें मज़े कर रहे हैं, इन्हें बाइक पर राइड करने का शौक चढ़ा था, आ गया मज़ा, काफ़ी लंबा राउंड घुमा के लाया है तो इनका शौक पूरा हो गया है। गाइस कैसे चिड़िया बैठी है, सच में बैठी हुई है ना, दूर से देखने में लग रही है, आज चोंच मार दी ना उसने, लस्सी है देखो, मुझे नहीं पता कैसा होगा। लस्सी दी है लोकल डेयरी से ले रहे हैं, लस्सी है, लस्सी देखो दही की तरह एकदम गाढ़ी गाढ़ी, पी के देखते कैसी लग रही है, ऐसा लग रहा है दही में चीनी घोल, दही सेम वही है, फैटी भी नहीं है, दही में चीनी मिला के पी रहे वही लग रहा है। फाइनली पहुंच चुके हैं फरसोली बीच पे, ये तो एकदम एम्प्टी बीच है, बस ये क्या समुंदर दिख रहा है, कोई भी नहीं है गाइस, देख रहे हो खाली है एकदम बीच। चलो देखते हैं गाड़ी बंद करके। तो गाइस यहाँ सिर्फ हम ही हैं और कोई भी नहीं है, डेंजरस ही बीच लग रही है वर्सोली बीच, खतरनाक, कमेंट कर बताना कैसी लग रही है। पर ये क्या समुंदर दिख रहा है, ये अच्छी बात है ना, ये सबसे बुरी बात है। क्या यहाँ देखो क्या ये गाड़ी चला रखी लोगों ने बापू, यहाँ गाड़ी लेके आ रखे होंगे, हम पूरी जगह पे गाड़ी चला रही है, हाँ हम मग गाड़ी फंस जाएगी ना बापू रेत में। तो ये देखो पूरी एम्प्टी बीच है, एक अच्छा स्ट्रीट लाइट लगा रखी है यहाँ पे, ये चीज़ अच्छी है। और तो चलेगा दौड़ लगाने, ने हजम करना है, कुछ खाया कुछ है नहीं, हजम करना है, अभी सिर्फ लस्सी पी है। सभी आ गए हैं अलीबाग की मेन बीच के पास में, यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए ग्राउंड में, कुछ तो बंद हो गए अभी, थोड़े बड़े सारे लगे हुए थे, तो सिर्फ अभी ये मोमोज वाला खुले हुए हैं यहाँ पे, मोमोज देख रहे हो, मोमोज बिक रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सेव पूरी पानी पूरी वाला है, इधर मेरे ख्याल से मोशीटो वाला है, उधर अंडा वाला है, तो यहाँ पानी पूरी लगा रहे हैं, देखिए चने वाइट वाले छोले डाल के लगाते हैं, तो इसने और खा रहे हैं, कैसा है प्रॉन्स ले रहे हैं और रोटी ले रहे हैं, घर पे जाके आराम से खाएंगे होटल पे, तो यहाँ से पैकिंग वगैरह करवा रहे हैं, देखिए काफ़ी कुछ है, थाली वगैरह भी है, मतलब मेनली सी फूड का ही स्टॉल है। जैसे शॉर्मा पैक करवा रहा हूँ, निम्न 60 रुपये का प्राइस है इसका,
तो 200 रुपये का करा रहा हूँ मम्मी इधर पूर्वीन के लिए, दोनों खा लेंगे उनका पेट भर जाएगा। तो गाइस रूम पे आ चुके हैं हम, 10:30 हो रहे हैं। तो मैं अपना थोड़ा ट्रांसफर वगैरह करा था लैपटॉप में, और ये खा रहे हैं शवरमा वगैरह, शवरमा लेके आए थे पैक करा के। तो ये बच्चे लोग शवरमा खा रहे हैं, मैं साथ में अपना ये लेके आया था प्रॉन्स और रोटी लेके आया था, तो ये भी अभी खाएंगे आराम से बैठ के। होप करता है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करना, नए चैनल पर सब्सक्राइब करना, चैनल शेयर करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा व्लॉग। मिलता है आपको अगली वीडियो में, टिल देन फेयरवेल फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।